Welcome back to your own YouTube channel, Exploring Education. In this video, we are going to have a discussion about the chapter of 11th class, Microeconomics, Theory of Demand. जिसमें ऑलरेडी चार वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो इन दिस वीडियो हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और जो टॉपिक हम इस चैप्टर वीडियो में कवर करेंगे उन टॉपिक्स के नाम है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है, अगर मैं बात करूं जो एक ट्रेडिशनल मेथड सीबीएसई फॉलो करता है एग्जाम का लेने, मतलब एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, जब उनके पास एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं होता था तब एक टॉपिक मेरे ख्याल से इतना वाइटल नहीं होता था, लेकिन जब से उन्होंने अप्लाई किया है एमसीक्यू के टॉपिक्स का वैल्यू एग्जाम वर्डर्स थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो इनको वन बाय वन समझते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस प्राइस इफेक्ट की. अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में उस कॉमोडिटी के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड मुझे सजेस्ट करता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन वो जो लॉ ऑफ डिमांड था वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कंपैरिजन करता था, लेकिन वो केवल एक कॉमोडिटी के रिगार्डिंग बात करता था, यानी जो भी चेंज होगा चाहे प्राइस में हो चाहे क्वांटिटी डिमांड में हो वो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के रिगार्डिंग होगा. ठीक है, लेकिन क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या करता है, ये दो कॉमोडिटी के कंपैरिजन की बात करता है. दो कॉमोडिटी के कंपैरिजन की बात क्यों करता है कि अगर मुझे ध्यान रखना है, जैसे मैं कंसीडर कर रहा था क्रॉस प्राइस इफेक्ट को. ठीक है, तो पहली चीज मुझे ध्यान रखनी है कि ये इफेक्टिव है केवल रिलेटेड गुड्स के केस में. अब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ, हमने दो टाइप देखे रिलेटेड गुड्स के. पहले में हमने बात की थी रिलेटेड गुड्स के रिगार्डिंग के सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, हमने कंसीडर किया था. उसके बाद हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. तो अब इन दोनों के माध्यम से हम समझेंगे व्हाट इज द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ डिमांड. सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो यहां पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे टी एंड कॉफी हम कंसीडर करते हैं. पिछले वीडियो हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफी का, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है कि व्हिच गुड्स आर अल्टरनेटिव फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के स्थान पे क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है, तो अब यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अगर टी के रिगार्डिंग में बात करूं तो ये मेरा डिमांड कर्व है डी डी और यहां पे ओ एक्स ओ वाई, यहां पे क्वांटिटी डिमांड की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे प्राइस की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो टी के रिगार्डिंग मेरा डिमांड कर्व है, अगर कॉफी के प्राइस में इंक्रीज कर देता हूं. ठीक है, ध्यान रखना टी का प्राइस कॉन्स्टेंट है, मैंने इंक्रीज किसको किया है, कॉफी के प्राइस को. अब कॉफी के प्राइस को इंक्रीज करने से टी की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, सिंपल सी बात है, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो जो कॉफी की क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं सोच के इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझूं तो अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ, टी के साथ. यानी अगर कॉफी उनके बजट के भाव होगा तो वो किसको प्रेफर करना शुरू कर देंगे, टी को. यानी कंजम्पशन किसका करेंगे, टी को. टी का कंजम्पशन करते हैं तो टी की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी यहां पे. ठीक है, तो यहां पे पहला सबसे इफेक्ट क्या होगा, कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कॉफी क्या होगी, महंगी हो जाएगी और कुछ लोग कॉफी की जगह किसको प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे, टी को. तो टी की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है चीज. अब अगर इसका रेसिप्रोकल मैं समझने की कोशिश करूं, अगर कॉफी का प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं तो कॉफी के प्राइस अगर कम हो गए तो कुछ लोग क्या करेंगे, टी की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, कॉफी को. यानी वो क्या करेंगे, टी की जगह कंजम्पशन किसका स्टार्ट कर देंगे, यानी कॉफी की जगह किसका कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे, टी का. तो टी की जो डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो यहां मुझे क्रॉस प्राइस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में मैंने समझा, अगर कॉफी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो टी की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉफी के प्राइस कम होते हैं टी की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी प्राइस इंक्रीज होते हैं कॉफी का, कुछ लोग क्या करेंगे, कॉफी को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, टी के साथ. और जैसे कॉफी सस्ती होती है उसके रेट चीपर होते हैं तो उसी टी को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, कॉफी के साथ. ठीक है, अब बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिगार्डिंग. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी थी कि दो गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, दैट मींस सिंगल हैंडली उनको यूज नहीं कर सकते, उनका जब भी उपयोग होगा वो एक साथ होगा. और यहां पे हमने एग्जांपल लिया था कार और पेट्रोल. अब इनको अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मान लो मेरे पास एक डायग्राम है जहां पर मैं बात कर रहा हूं कार के रिगार्डिंग, ये कार का प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें. मान लेता हूं मैं कार के प्राइस क्या, पेट्रोल के प्राइस क्या करता हूं, इंक्रीज कर देता हूं. पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अब उस पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने से कार की डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, यानी पेट्रोल क्या है, महंगा होगा तो जो कार की डिमांड है वो क्या होगी,
कम हो जाएगी। भाई पेट्रोल के प्राइस अगर इंक्रीज हुए तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं यानी पेट्रोल सस्ता होता है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किसको, कार की डिमांड को। तो ये था क्रॉस प्राइस इफेक्ट। फिर से रिकॉल कर देता हूं, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कंपेयर करूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था। बात करें इनकम इफेक्ट की, तो इनकम इफेक्ट को समझने से पहले मुझे कंसिडरेशन करना है कि मतलब मुझे यहां पे कंसिडर करना है किसको, रियल इनकम को। अब सिंपल सी बात है, अगर इनकम इफेक्ट में मुझे ये समझना हो कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द थ्योरी ऑफ डिमांड, तो इनकम इफेक्ट का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मींस व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर व्हाटएवर द रीजन इट डजंट मैटर बट देयर मस्ट बी चेंज इन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, और उस रियल इनकम में से चेंज होने से उसकी परचेजिंग पावर पे जो इंपैक्ट आएगा, यानी रियल इनकम में जो चेंज होगा उसके रीजन जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन रियल इनकम में चेंज होने से उसकी परचेजिंग पावर पे जो इंपैक्ट आया है इसको हम एनालाइज करते हैं किसमें, इनकम इफेक्ट में। मैं फिर से बता रहा हूं, रियल इनकम में चेंज हुआ और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, ये मुझे समझना है किसमें, इनकम इफेक्ट में। अब ये इनकम इफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट अगर मैं इनकम इफेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट इनकम इफेक्ट को समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा और उसके बाद हम समझेंगे किसको, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उसको। यहां पे मान लेता हूं कि सिंपल सी बात है, एक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसको 20,000 रुपीज सैलरी मिलती है, ठीक है। उस 20,000 का 40% क्या करता है, फूड पे खर्च करता है, और 40% क्या करता है, सेविंग करता है, और 10-20% को ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। 20,000 का 40% किसके ऊपर, फूड के ऊपर, 40% सेविंग के ऊपर, 20% सेल्फ कंजम्पशन। अब एक एग्जांपल है, मान लेता हूं इसकी सैलरी 40 का कितना हो जाता है, सॉरी 20,000 से कितनी हो जाती है, 40,000। अब 40,000 के बाद क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, फूड पे ज्यादा कंजम्पशन करेगा, सेविंग भी ज्यादा करेगा, और सेल्फ पे भी क्या होगा, ज्यादा कंजम्पशन करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगा, अगर उसकी सैलरी को मैं घटा देता हूं 10,000 कर देता हूं, तो इस सैलरी के कम होने से, उसकी वेजेस के कम होने से जो कंजम्पशन होगा फूड पे वो भी कम होगा, सेविंग्स पे वो भी कम होगा, और खुद के ऊपर जो कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन जो करता है, वो खर्चा करता है, वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मतलब उसकी सैलरी कम होने से क्या होगा, जब सैलरी इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जब सैलरी कम होती है तो उसको जो अपने एक्सपेंडिचर होती है क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब बाय वे ऑफ सैलरी हम बात करें तो ये आता है इसमें डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अदर इफेक्ट। अब अदर इफेक्ट का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मेरे पास क्या है, 100 रुपीज मेरी इनकम है, और किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, ठीक है। अब 10 रुपीज का मतलब क्या होगा, कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूं इस कॉमोडिटी की, 10 यूनिट। अब मान लेता हूं उसका प्राइस घट के कितना होगा, 5, तो अब यहां पर कितनी यूनिट खरीद लूंगा, 20, ठीक है। तो जो मेरी रियल इनकम है उसमें चेंज किससे आया, प्राइस के कम होने से, यानी बेसिस में कम होने से, किसमें आ गया, डायरेक्ट इफेक्ट में, और जो अदर फैक्टर है उनकी वजह से रियल इनकम अगर चेंज होती है तो किसमें आता है, अदर इफेक्ट में, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट में, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें इसको, तो ये डायग्राम मैंने बना लिया जिसमें मैं कंसिडर करूंगा ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। अब अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो मेरी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मेरी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम कम हुई है तो डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये था डायरेक्ट इफेक्ट। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करूं तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। अब इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है, इनकम में चेंज नहीं आएगा, चेंज किसमें आएगा, अदर फैक्टर में। मान लेता हूं उस कॉमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो प्राइस ज्यादा होते क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड क्या करूंगा, मैं कम करूंगा, क्योंकि जो मेरी रियल इनकम थी प्राइस बढ़ने से उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और प्राइस जैसे ही घटेंगे तो जो रियल इनकम उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी प्राइस कम होने से रियल इनकम में ज्यादा खरीद सकूंगा उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के रिगार्डिंग,
यानी जो भी क्वांटिटी मैं खरीद रहा हूँ जैसे उसके प्राइस का होंगे तो रियल इनकम का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें जैसे प्राइस घटते हैं या बढ़ते हैं तो प्राइस उस हिसाब से इनकम क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे समझना है किसको, इनकम इफेक्ट को, यानी जो रियल इनकम में चेंज आने से परचेसिंग पावर में जो भी चेंज आते हैं वो किसमें कंसिडर किए जाते हैं, इनकम इफेक्ट में। अब अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तो ये बिल्कुल मतलब वही है कि सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हमने समझा था कि जो टी और कॉफी का हमने एग्जाम्पल लिया था उसके माध्यम से समझ सकते हैं। टी और कॉफी का एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था यहाँ पे कि अगर टी के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं तो कॉफी की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और टी के प्राइस अगर कम होते हैं तो कॉफी की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। अब इसमें बात करें कुछ जो अदर चीजें मेरे पास रह जाती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर के तौर में कंसिडर करूं मैं किस चीज को लाइक करता हूं, किस चीज को मैं डिसलाइक करता हूं, ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, ये सब चीजें मुझे कंसिडर करनी है। कोई चीज अगर आउट ऑफ फैशन है तो मे बी हो सकता है मैं उस चीज को ज्यादा डिमांड ना करूं, कोई चीज अगर लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग है तो उसकी ज्यादा डिमांड करूं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर के तौर पर, कंज्यूमर के तौर पर अगर आप अपने आप को कंसिडर करो तो किस चीज को आप लाइक करते हो, किस चीज को आप डिसलाइक करते हो, कौन कौन सी चीजें जो चलन में है वर्तमान फैशन के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी ऐसे जो ओल्ड फैशन के अकॉर्डिंग, उन सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस को मैं दो चीजों में अगर कंसिडर डिवाइड कर सकता हूँ, सबसे पहले फेवरेबल और दूसरा हम बात करें अनफेवरेबल। अब अगर किसी कॉमोडिटी के रिगार्डिंग मैं बात करूं, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, फेवरेबल है तो वो क्या करेंगे, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अगर फेवरेबल है डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अनफेवरेबल है तो वो क्या करेंगे, उसकी डिमांड को कम कर देंगे। यानी सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं, किसी चीज के कंजम्पशन पर अगर टेस्ट आया तो वो क्या करेगा, अगर फेवरेबल इंपैक्ट डालता है टेस्ट, यानी उसका लाइक डिसलाइक फेवरेबल इंपैक्ट डालता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अनफेवरेबल है तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर जो था थ्योरी ऑफ डिमांड का माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्लियर, टिल देन थैंक यू सो मच।